तो दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा और अपने हितों को ध्यान में रखकर एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, जिससे कई देशों को फिर से मिर्ची लग सकती है। दरअसल आप सभी को पता है कि जब हमने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, तब दुनिया भर के अंदर, यहां तक कि WTO में भी भारत की आलोचना की गई थी कि भारत गेहूं के एक्सपोर्ट को रोककर दुनिया भर के अंदर खाद्य संकट उत्पन्न कर रहा है। परंतु यदि हम दुनिया को गेहूं बांटते रहते तो भारत के यहाँ पर गेहूं की किल्लत मच जाती, और अब ऐसा ही काम होने वाला था भारत के यहाँ पर चावल को लेकर। दरअसल आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर में लगभग 3 अरब से भी ज्यादा लोग चावल का सेवन किया करते हैं अपने डेली के खाने के अंदर, और इस चावल मार्केट के अंदर दुनिया भर में जितना भी चावल बिकता है उसमें से 40% का जो चावल है वो भारत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी चावल मार्केट का भारत एक प्रकार से बादशाह है। भारत के चावल को दुनिया के 150 देश खरीदा करते हैं, और इसी के साथ भारत का जो चावल है वो दुनिया में अन्य चावल उत्पादक देशों की तुलना में काफी ज्यादा सस्ता है। हमारा जो चावल है वो प्रेजेंट टाइम में 27 से 28 रुपए प्रति किलो बिक रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। परंतु भारत सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके कारण से भारत ने अपने चावल के एक्सपोर्ट के ऊपर 20% टैक्स लगा दिया है, जिससे भारत के चावल का जो प्राइस है वो अब 35 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है। अब ऐसा करने के पीछे भारत का एक बड़ा मकसद यह था कि हम दुनिया भर के अंदर सबसे सस्ते दामों के अंदर अपने अच्छे क्वालिटी का चावल बेचते हैं। इसी दुनिया के 150 की संख्या में जो देश हैं वो भारत के चावल को खरीदते थे। अब जब भारत का चावल दुनिया भर के अंदर जाएगा तो भारत के अंदर चावल की शॉर्टेज हो जाएगी, और इसी कारण से भारत के अंदर चावल के जो प्राइस है वो 5 से 10% तक बढ़ चुके हैं, और इन्हीं को कम करने के लिए भारत सरकार ने 20% का एक्सपोर्ट टैक्स लगाया है, जिससे थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश जो कि अपने चावल को 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक बेचते थे, वो देश भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना चावल आसानी से बेच सके, और भारत के यहाँ पर चावल के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनसे भारत को छुटकारा मिले, और भारत का जो चावल है वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में महंगे दामों पर बिकेगा तो भारतीय किसानों को भी लाभ मिलेगा। फिलहाल में आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और भारत सरकार ने जो चावल के दामों को बढ़ाया है वो क्या सही है, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।